ग्वालियर से एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जहां लोन दिलाने के नाम पर झांसा देकर सिटी सेंटर इलाके में रहने वाले व्यक्ति के साथ लाखों की धोखाधड़ी हुई, जिसके बाद पुलिस की जांच पड़ताल के बाद तीन आरोपियों पर धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, एएसपी मुर्गाखी डेका ने बताया कि यूनिवर्सिटी थाना पहुंचे सिटी सेंटर के निवासी जसविंदर सिंह ज्ञानी ने धोखाधड़ी के मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। उनके साथ वर्ष 2018 में धोखाधड़ी की वारदात हुई थी, जिसके बाद न उन्हें रुपए वापस मिले और न ही उनका काम हुआ। पुलिस ने फिलहाल सभी आरोपियों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू कर दी है। जो फरियादी जिसके साथ धोखाधड़ी हुआ है वो हमारे पास पहले भी आए थे, तो हमने उसमें जांच करवाई है। जांच में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि काफी लोग इसमें इन्वॉल्व थे। फिर हमने जांच में से तीन लोग निकाले हैं जो मूल रूप से इसमें आरोपी हैं और उनके लाखों में पैसे गए हैं। उनका ये कहना है कि उन्होंने पैसे लोन में दिए थे, लोन की मामला है और कुछ प्लॉट का भी हो सकता है। तो हम इसमें अभी अच्छी तरह से कानूनी जांच करेंगे। अभी तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई है, लेकिन क्योंकि इसमें अपराध के संदेह है इसलिए हमने इसमें 420 कायम कर दी है।